वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आदुषी श्रीवास्तव। हिंदू धर्म में शनिदेव का विशेष महत्व बताया जाता है। कई लोग शनिदेव को दंडाधिकारी मानते हैं, तो वहीं कई लोग शनिदेव के कर्मों को अच्छा भी बताते हैं। शनिदेव को खुश करने के लिए धर्म के जानकार व्रत अथवा पूजा पाठ करने की सलाह देते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि हर शनिवार पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का जप करें। लेकिन हम आपको ये सलाह नहीं देते हैं, हम आपसे कहते हैं कि शनिदेव को खुश करने के लिए शनिवार के दिन विशेष पूजा पाठ करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनिदेव के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अगर शनिदेव खुश हो जाते हैं तो घर से दुख कलह दूर भाग जाते हैं। वही व्यक्ति के जीवन में सफलता और सुख की समृद्धि भी आती है। आइए जानते हैं कैसे पा सकते हैं आप शनिदेव की कृपा और शनिदेव की झैया और सारी साथी से आपको निजात कैसे मिलेगी। शास्त्रों के मुताबिक शनि चालीसा का जप करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटें। शनि मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियों से आपको दूरी मिल पाएगी। शनि को खुश करने के लिए शुक्रवार की रात काला चना पानी में भिगोकर अगले दिन इस काले चने की पोटली को बहते हुए पानी में रखकर जिस पानी में मछलियां हों उसमें फेंक दें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं उससे आपको दूरी मिल जाती है। यदि आपका शनि ग्रह कमजोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार का व्रत तो रखना ही चाहिए। अधिकतम 51 शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, इससे शनि मजबूत होते हैं। शनिवार के दिन काला कपड़ा पहने और शनि के मंत्र का जप करते चलें। शनिवार को एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल भर लें। मंत्र जप करने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पीपल के जड़ को अर्पित कर दें। ऐसा करने से शनि ग्रह जो हैं आपके मजबूत हो जाते हैं। शनिवार के दिन उरद से बनी पंजरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा आदि का सेवन करना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोजनीय पदार्थ खाने चाहिए। ऐसे में शनि ग्रह जो हैं आपके मजबूत हो जाते हैं। इस दिन आप फल में केले का सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए मददगार हो सकता है। हिंदू धर्म में शनिदेव को एक बहुत ही विशेष दर्जा दिया गया है। वैसे तो लोगों के अनुसार शनिदेव कष्ट देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। शनिदेव तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड देते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव उसके अनुसार भी आपको फल देते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए, सारे साथी और ढैया से निजात पाने के लिए आपको किन उपायों को अपनाना चाहिए जिससे कि शनिदेव जो हैं आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप पे अपना प्यार बरसाते रहें, ये जान लिया अपने इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रही होगी। बाकी ग्रह गोचर से जुड़ी ऐसी ही तमाम कहानियां देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जनसत्ता.com पर।